हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट होप। मेरा नाम है नवीन शुक्ला और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एमोनोइडिया है क्या। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है नवीन शुक्ला 299@gmail.com। अगर आप इस टॉपिक को रिटेन में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पर जाइए और वहाँ पढ़ सकते हैं। मेरी ब्लॉग आईडी है lasthopegeology.blogspot.com। इन दोनों के, मेरे फेसबुक के और ब्लॉग के, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। इसका आंसर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। एमोनोइडिया गॉट एक्सटिंक्ट टूअर्ड द क्लोज ऑफ ऑप्शन ए डेवोनियन, ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस, ऑप्शन सी क्रिटेशियस, ऑप्शन डी टर्शियरी। जाइए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए स्टार्ट लेते हैं। एमोनोइडिया, जो एमोनोइडिया है वो किंगडम एनिमेलिया के अंडर में आता है। फाइलम इसका मोलास्का है, क्लास सिफेलोपोड्स है और सब क्लास एमोनोइडिया। क्लास सिफेलोपोड, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सिफेलोन और पोडा, जिसका मतलब होता है हेड एंड फुट। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि जो भी एनिमल अपने हेड की मदद से चलता है, मीन्स जो कि अपना हेड को अपना फुट मानता है, अपना फुट के रूप में यूज करता है, उसको हम सिफेलोपोड्स कहते हैं। दीज एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये सिर्फ मरीन ही मरीन, मीन्स सिर्फ समुद्र में मिलेंगे। दीज एनिमल्स स्टार्टेड देयर लाइफ इन द कैम्ब्रियन पीरियड। सम एक्सटिंक्ट टाइप्स ऑफ सिफेलोपोड्स आर बेलमेनाइट्स, एमेनॉइड्स एंड गोनियाटाइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि एमोनोइडिया इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इट्स स्टडी इज इम्पॉर्टेंट टू अस। इसका जवाब है कि एमोनोइडिया जो है वो एक इंडेक्स फॉसिल है, मींस इसका जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वेरी वाइड है और शॉर्ट जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कमिंग नेक्स्ट टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ एमोनोइडिया, कोई भी सेल होता है, सेल का जो ओपनिंग होता है उसको हम कहते हैं अपर्चर, मींस इस सिफेलोपोड्स मींस एमोनोइडिया का जो ओपनिंग है उसको अपर्चर कहेंगे। सपोज कीजिए कि यह सेल एक कॉनिकल ट्यूब है और इस कॉनिकल ट्यूब का जो पॉइंटेड एंड है, जो क्लोज एंड है, वो पोस्टेरियर होगा और जो ओपनिंग होगा उसको एंटेरियर एंड कहेंगे। मींस जो इसका अपर्चर है एट द एंटेरियर एंड है और जो प्रोटोकॉन्च है वो इसका पोस्टेरियर एंड पे है। जो एमोनोइडिया का जो वेंट्रल सरफेस होता है उस पर एक डिप्रेशन होता है जिसको हम हाइपोनॉमिक साइनस के नाम से जानते हैं। दो होल के बीच के जो गैप को हम चैम्बर कहते हैं। तो लास्ट होल होता है जो कि अपर्चर साइड में होता है, एंटेरियर साइड में होता है, उसको हम बॉडी चैम्बर कहते हैं या बॉडी होल कहते हैं। सिफंकल एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के बीचों बीच पार होता है। इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन जो है वो इस सेल का सिफंकल है। मेनी एमोनॉइड फॉसिल्स शो होल्स इन द सेप्टा नोन एज सेप्टल नेक। बहुत सारे एमोनॉइड का जो फॉसिल्स हैं उसमें होल दिखेगा आपको सेप्टा के पास, तो उसको हम सेप्टल नेक के नाम से जानते हैं। एमोनॉइड्स में जो कॉइलिंग होती है बेसिकली टू टाइप्स की होती है, ये एक तो वर्टिकल प्लेन में होती है और दूसरी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब इसकी कॉइलिंग होती है तो इसको हम डिस्कॉइडल कहते हैं, और जब यह वर्टिकल प्लेन में इसकी कॉइलिंग होती है तो इसको हेलिकॉइडल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी जो कॉइलिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल ही होती है, मीन्स डिस्कॉइडल इन शेप। यह जो वीडियो थी यह एमोनॉइड्स का पार्ट वन था जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन और उसके मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किए। नेक्स्ट जो पार्ट टू आएगी उसमें हम इसके इवोल्यूशनरी ट्रेंड को देखेंगे और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखेंगे। नाउ कमिंग टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछा गया था कि एमोनॉइडिया गॉट एक्सटिंक्ट टुवर्ड द एंड या टुवर्ड द क्लोज ऑफ विच पीरियड, देन द इसका आंसर जो है वो है क्रिटेशियस। Thanks for listening. God bless you all.